हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुपेश और आज के एपिसोड में मैं आपको लाया हूँ बिलीमोरा शहर में। और आज जो हम लोग फूड एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं वो है जय जलाराम नाश्ता सेंटर। और यहाँ का वड़ा पाव काफ़ी फेमस है। ये लगभग 31 साल पुराना शॉप है और यहाँ का वड़ा पाव काफ़ी फेमस है। सो गाइस, इसलिए हम लोग यहाँ का फूड एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। तो यहाँ का सबसे पहले मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ। आप सामने की तरफ उधर देखेंगे तो वो बिली नाका चौक है, उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये शॉप मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइस, आर यू रेडी वॉचिंग दिस माई वीडियो? लेट्स गो प्ले। आ जाओ। गाइज, मेरे साथ जय जलाराम नाश्ता सेंटर के ओनर, इनसे मिलते हैं और इनका नाम जानते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जगदीश है। तो जगदीश भाई, हमारे दर्शकों को बताइए आपके शॉप के बारे में कुछ। मैं ये वड़ा पाँव का लाड़ी फुटपाथ से शुरू किया था। अच्छा। 22-23 साल हो गया है मेरे को। अच्छा। और इधर का आजू बाजू का विस्तार का कम से कम 8.5-10 लाख आदमी तक मेरा पहचान हो चुका है 32 साल में। अच्छा। और 1 रुपया से शुरू किया था, धीरे धीरे 2 रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ, 8 रुपया हुआ, 10 रुपया हुआ, अभी 10 में चल रहा है। अभी पूरा गांव में 15 रुपया हो चुका है। अच्छा। मैं 10 में बेच रहा हूँ क्योंकि मेरे को जब तक पड़ रहेगा तब तक दर्शकों लोग के लिए, पब्लिक के लिए जी जान से अच्छा बना के खिलाएगा और कम पैसा में खिलाएगा, ऐसा मेरा डील का मानना ऐसा है। पब्लिक ने मेरे को इतना पॉपुलर किया है तो पब्लिक में पैसा बढ़ा के पब्लिक को लूटने का डंडा नहीं करता है मैं। अच्छा। पब्लिक को अच्छा नहीं रहा है। सर, ये भी बताइए आपके यहाँ अप्रोक्सली वड़ा पाव कितना निकल जाता है दिन भर में? 800-900 पावड़ा निकल जाता है रोज का। बहुत बढ़िया है, आप अनुमान लगा ही सकते हो कि यहाँ पर कितना अच्छा सेल होता है। तो गाइस, चलो यहाँ का मेकिंग भी देख लेते हैं और मैं यहाँ का रिव्यू भी देता हूँ। ठीक है। गाइस, देख लो सारा ऑर्डर आ गया है। ये है वड़ा पाव, इसका प्राइस है 10 रुपया। ये है बटाका पूरी आलू का भजिया, इसका प्राइस है 15 रुपया एक प्लेट का। ये भी आपको 10 रुपया है, ये वड़ा है 10 रुपया है। और ये कांदा भजिया यहाँ का स्पेशल, ये भी 15 रुपया प्लेट है। सो गाइस, शुरू करते हैं यहाँ का जो सबसे फेमस है वड़ा पाव, उसी से चालू करते हैं। तो देखिए, ये रहा यहाँ का वड़ा पाव, इसका प्राइस भी 10 ही रुपया है। साथ में ये मिर्ची है तली हुई और इसका आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए, इसके अंदर ये आलू का स्टफिंग है, वड़ा है, और इसके अंदर 2 चटनी है, एक हरी वाली तीखी चटनी और ये लाल वाली जो दिख रही है ना, ये मीठी चटनी है। तो चलो और इसको शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा डिप करते हैं चटनी में, मीठा में भी। और
इसमें भी तीखे में भी। बहुत बढ़िया, इसमें जो सबसे इसको स्पेशल बना रहा है ना वो इसका चटनी है। इसमें शायद इसमें इन्होंने गुड़ वाला डाला इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है मीठा। एक बाइट और लेते हैं। ये वड़ा पाव है ना, इसको चटनी बहुत ही बेहतरीन बना रहा है। और इसके अंदर है ना कांदा और प्याज और लहसुन का भी चटनी स्टार्ट में इन्होंने लगाया था, उसकी वजह से इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे ही आप पहला बाइट मुंह में लोगे ना तो ये सारा फ्लेवर इसको पूरा आपका मुंह ऑब्जर्व करेगा, जिससे आपको खाने में इसका स्वाद को काफ़ी मज़ा आएगा। देखिएगा इसी, ये रहा बटाका पूरी, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, इसको भी चटनी में डिप करते हैं। चटनी सभी में यहाँ कॉमन ही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वाद। और ये रहा यहाँ का वड़ा, इसमें इसमें जो हम वड़ा पाव खाए थे उसके अंदर यही यूज़ हुआ था। इसका मेकिंग भी मैंने आपको दिखाया, बराबर दिखा, अच्छा था। इसको भी डिप करते हैं इसमें थोड़ा सा। ये वड़ा है ना, इसके अंदर जो आलू का जो इन्होंने स्टफिंग किया है और जो इनका खुद का बनाया हुआ स्पेशल मसाला है, उसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये रहा प्याज भजिया, देख लीजिए, इसको भी डिप करते हैं। ये थोड़ा सा क्रिस्पी है और काफ़ी मज़ा आ रहा है खाने में। तो गाइस प्राइस तो यहाँ का कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लोग ग्रुप में भी आओगे तो भी अच्छे से खा के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। बच्चे लोग को भी पूछ लेते हैं उन लोग को यहाँ का स्वाद कैसा लगा, चलो उनके पास चलते हैं। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करना, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। और अगर आप बिलीमोरा साइड विज़िट कर रहे हो तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आना, ठीक है। अब मैं मेरी पूरी टीम के साथ इसको ख़त्म करता हूँ और फिर मिलूँगा नई नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।